हेलो एवरीवन, दिस इज़ महर्षि दधीचि महिला महाविद्यालय ऑनलाइन क्लास। आई वेलकम यू इन होम साइंस क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ पेपर सेकंड यूनिट फिफ्थ व्हिच इज़ थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। सिकनेस में जब व्यक्ति पर्सन है ना विभिन्न डिजीज से ग्रस्त रहता है, जैसे फीवर, डायरिया, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लीवर डिजीज, जॉन्डिस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी और किडनी प्रॉब्लम एक्सेट्रा, तो डिजीज से शीघ्र विमुक्ति पाने के लिए दवा के साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ डाइट का भी उपयोग किया जाता है। डिजीज में शीघ्र विमुक्ति हेतु रोग डिजीज की तीव्रता को कम करने तथा डिजीज में व्यापक सुधार लाने हेतु डाइटिशियन फूड का प्रयोग एक प्रमुख कारक के रूप में करते हैं। इसे ही डाइट थेरेपी और थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो एम स्वामीनाथन ने अपनी बुक एसेंशियल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में लिखी है। Therapeutic nutrition is concerned with the nutritional requirement of patients suffering from different diseases and prescribing the right type of diets for them. And Proudfoot or Tatha Robinson ke anusar, diet therapy is the use of foods as an agent in affecting recovery from illness. If agents deal with modification necessary in the diet in the treatment of different disease, बख्शी के अनुसार वे फूड जो डिजीज से छुटकारा पाने से सहायक हो डिजीज तथा पेशेंट के फिजिकल मांग के अनुरूप हो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये सारे इसमें डेफिनेशन से अब इसके हम उपरोक्त इसी के बेस पर हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकते हैं। जो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन एक साइंस और आर्ट का सम्मिलित रूप है, जिसमें पेशेंट के विभिन्न आर्थिक स्तर, डिजीज़ की स्थिति, बॉडी की मांग तथा डिजीज़ के लक्षण के आधार पर न्यूट्रिएंट्स तथा व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए डाइट दिया जाता है। सिकनेस में जब डाइट द्वारा ट्रीटमेंट होने से पर्सन डिजीज से शीघ्र मुक्ति पाता है अथवा डिजीज पर अपेक्षित सुधार एवं नियंत्रण होता है, तब डाइटेटिक्स को डाइट थेरेपी तथा इस साइंस को थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। डाइटिक सामान्य डाइट का ही गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूपांतरण एवं परिष्कृति है। नाउ मूविंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले है न्यूट्रिशन स्तर को उत्तम बनाए रखना। सेकंड है डिजीज़ की फिजिकल कंडीशन, डिजीज़ की स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन तथा डिजीज़ के लक्षण को ध्यान में रखते हुए डाइट नियोजन करना। थर्ड पॉइंट है डिजीज़ की अवस्था के दौरान परिवर्तित मेटाबॉलिज्म की क्षमता के अनुसार फूड प्रोडक्ट्स की ग्रहण की जाने वाली क्वांटिटी को समायोजन करना। नाउ मूविंग टूवर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। इन दिस फर्स्ट इज थेरेपेटिक डाइट सामान्य डाइट से कम भिन्न होनी चाहिए। सेकंड इज थेरेपेटिक डाइट डिजीज पेशेंट की इकोनॉमिक स्थिति, इंटरेस्ट, ईटिंग हैबिट्स, रिलीजियस बिलीव्स,
फूड रिलेटेड लाइक्स एवं सभी आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि पेशेंट परिवर्तित डाइट को मन से खा सके। थर्ड है परिवर्तित डाइट शरीर के न्यूट्रिएंट्स मांग के अनुसार होना चाहिए। फोर्थ है पेशेंट को न्यूट्रिशियस डाइट के संबंध में जानकारी देना। फिफ्थ है बॉडी को पर्याप्त रेस्ट देना। सिक्स है बॉडी वेट के अनुसार डाइट को नियोजन करना। नाउ मूविंग टुवर्ड डाइट थेरेपी में डाइट डाइटिशियन की भूमिका। डाइट थेरेपी का आयोजन करते समय डाइटिशियन को निम्न बातों की जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट है डिजीज़ कब से है, डिजीज़ की प्रकृति किस तरह की है, क्या ये न्यूट्रिशन न्यूनता जानती जनित रोग डिजीज़ है, मेटाबॉलिज्म में दोष होने के कारण है, डाइजेशन रिलेटेड गड़बड़ियों के कारण है इत्यादि। सेकंड है डिजीज़ की अवधि कितने दिनों की है, क्या ये लाइफ पर्यंत चलने लाइफ टाइम चलने वाली डिजीज़ है, यदि हाँ तो डाइट लचीला होना चाहिए। थर्ड है पेशेंट पर्सन का हिस्ट्री जानना, जैसे एज, हाउस में किन किन लोगों को कौन कौन सी डिजीज़ है, ताकि अनुवांशिक रोगों का पता चल सके। फोर्थ है पेशेंट की इकोनॉमिक एवं सोशल स्थिति जानना, यदि पेशेंट पुअर फैमिली का है तो उसके डाइट अत्यधिक महंगे नहीं होने चाहिए। फिफ्थ है डिजीज़ की अवस्था में डाइट में परिवर्तन करते समय तैयार डाइट का स्वरूप आकर्षक हो, जैसे लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉलिड डाइट आदि। सिक्स है पेशेंट के फूड रिलेटेड हैबिट्स, इंटरेस्ट, लाइक्स आदि को जानना। सेवन्थ है पेशेंट की मेंटल तथा इमोशनल कंडीशन, ये पेशेंट की नेचर पर निर्भर करता है। एट्थ है पेशेंट को मुंह द्वारा फूड ग्रहण करने तथा डाइजेस्ट की क्षमता। नाइन्थ है बॉडी में फूड के डाइजेशन अब्सॉर्प्शन का मेटाबॉलिज्म का स्तर क्या है और कितना रह गया है ये जानना। टेंथ है फूड का जो कंडीशन होना चाहिए वो मनमोहक एवं आकर्षक होना चाहिए। इलेवेंथ है परिवर्तित डाइट के सेवन में से पेशेंट को तृप्ति एवं संतुष्टि मिल सके। ट्वेल्थ है फूड पेशेंट पर्सन के इकोनॉमिक दशा के अनुरूप हो, ताकि इसकी प्राप्ति में उसे अलग से बहुत अधिक पैसा व्यय नहीं करना पड़े। थर्टीन्थ है जो थेरापेटिक डाइट के सेवन से डिजीज़ में अपेक्षित सुधार हो, ताकि पेशेंट पर्सन डिजीज़ से विमुक्ति हो सके अथवा डिजीज़ पर नियंत्रण पा सके। उपरोक्त भूमिका को निभाने के लिए डाइटिशियन को डिजीज़ एवं पेशेंट के संबंध में निम्न जानकारी रखना आवश्यक है। फर्स्ट है सिकनेस में पेशेंट पर्सन की फूड ग्रहण करने की क्षमता अर्थात फूड ग्रहणता को जानना।
सेकंड है रूपांतरित या थेरापेटिक डाइट, अतिरिक्त समस्या तो उत्पन्न नहीं करता है। थर्ड है फिजाइकोलॉजिकल टेंशन के बारे में जाना। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इलनेस मॉडिफाइड फूड एक्सेप्टेंस, बीमारी में पेशेंट पर्सन की फूड एक्सेप्टेंस को जानना। इन दिस फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ दशा में हेल्थ कंडीशन में जो फूड प्रोडक्ट्स पर्सन को रुचिकर प्रिय आनंददायी एवं स्वादिष्ट लगते हैं, अब वही फूड डिजीज़ की दशा में अरुचिकर लगने लगते हैं। सेकंड पॉइंट है पेशेंट पर्सन की भूख पर मर जाती है अथवा वे फूड खाने से इनकार कर देता है। थर्ड है कुछ फूड के सेवन में से पेशेंट का जी घबराने लगता है, पेट में स्टमक में जलन एवं पीड़ा होने लगती है। इस कंडीशन में उसे उस फूड के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है कि उसने वह फूड खा लिया तो उसकी तकलीफ़ बढ़ सकती है।